Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बयान फरमाया है। बावजूद कोशिश के इस मज़मून का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा पिछले साल खत्म हो सका। बकिया के मुतल्लिक मैंने वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह आइंदा साल और अगर जरूरत पड़ी तो उससे आइंदा साल बयान करूंगा, लेकिन इस दौरान जब मैंने मज़मून को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ये मज़मून तो सारे कुरान पर फैला पड़ा है, सारी शरीयत इस्लामिया से ताल्लुक़ रखता है, और अगर इसके सारे पहलू बयान करने की कोशिश की गई तो एक उम्र दरकार है इस मज़मून का हक अदा करने के लिए।
इसलिए मैंने इसे बहुत मुख्तसर करने की कोशिश की और बाज ऐसे अनावीन जो इसके ताबे तो हैं लेकिन मुस्तकिल अलग तकारीर के मोहताज हैं उनको अलग कर दिया। कोशिश मेरी ये थी कि आज की तकरीर में मैं इस मज़मून को आखिर तक मुकम्मल कर लूँ, लेकिन मुझे डर है कि इसके लिए भी मवाद ज़्यादा है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई तो इस मजलिस में इस मज़मून को आखिर तक बयान करने की कोशिश करूँगा। अदल और इताए और एहसान और इताए दिल कुर्बा के मुतल्लिक अलग अलग बयान करने की बजाय मैंने एक मज़ीद तब्दीली ये पैदा की है कि आज जिन बातों का ज़िक्र करूँगा उनमें जहाँ तक मुमकिन हुआ अदल के साथ एहसान के पहलू का भी ज़िक्र करूँगा और एहसान के साथ इताए दिल कुर्बा के पहलू का भी। सबसे पहली आयत जो इस मज़मून में मुझे पेश करनी है उसका ताल्लुक तमाम बनी नौ इंसान के साथ दीन के मामले में अदल के साथ है और हर ज़माने के इंसान के साथ है और इतनी वसी और जामे माने आयत है कि मज़मून के किसी पहलू को भी बाकी नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला फरमाता है إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ। इस आयत के मज़मून में बाज़ मुफस्सिरीन ने इख्तलाफ़ किया है और बाज़ लोगों ने जो इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते इसको अपनी कमफहमी के नतीजे में इतराज़ का निशाना भी बनाया है। उन लोगों का ख्याल ये है कि इस आयत में बनी नौ इंसान को इस्लाम की पाबंदी से आज़ाद कर दिया गया है और अल्लाह ताला ये ऐलान फरमा रहा है कि खा तुम यहूदी हो खा नसारा हो खा साबईन से ताल्लुक रखते हो तुम्हारे लिए निजात की सिर्फ एक शर्त है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और यौम आखिर पर ईमान लाओ और अमल साले करो। गोया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी करार न दिया। इस आयत को कुल्लियतन ना समझने के नतीजे में ये बातिल ख्याल पैदा होता है, हालांकि इस आयत का दायरा बहुत ही वसी है और सर हर ज़माने पर फैला पड़ा है और इसकी वसत के पेश नज़र मुख्तलिफ लिहाज से मुख्तलिफ हालात के मुताबिक इसके माने भी बदलते चले जाएंगे और हर सूरत हाल पर इतलाफ पाते चले जाएंगे। अगर अमूमी माने लिए जाएँ यानी इस्लाम से पहले के दौर की बात हो तो ये कुरान करीम का अजीम शान एहसान है बाकी मज़ाहिब पर और किसी दुनिया की दूसरी किताब ने ये किसी मज़हब पर ये एहसान नहीं किया कि कुरान करीम के नज़ूल से पहले के हर इंसान को इस बात की ज़मानत दे दी है कि तुम खा किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते थे कोई भी नाम हो तुम्हारे मज़हब का अगर तुम दयानतदार थे अपने आमाल में और अपने नज़रियात में और अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखने वाले थे और अपने अपने दायरा कार में उस तालीम के मुताबिक अमल साले करते थे जो तालीम तुम्हें दी गई
तो फिर किसी मजहब से तुम्हारा ताल्लुक हो, खुदा ताला तुम्हें अमन की जमानत देता है और वादा करता है कि तुम पर कोई खौफ नहीं होगा और कोई हुज़्न नहीं होगा। तो जहां तक गुज़श्ता जमानों का ताल्लुक है, ये आयत गुज़श्ता जमानों के खौफ भी दूर कर रही है और इस जमाने के उन लोगों के खौफ भी दूर कर रही है जिन तक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं पहुंच सका। इस पहलू से इसके माने ये होंगे कि ऐ बनी नौ इंसान, खा दुनिया के किसी कोने में बसते हो, अगर तुम इस बात के मुकल्लफ नहीं हुए कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तुम तक पहुंच, तुम ईमान ले आओ, तो तब भी खुदा तुमसे नाइंसाफी का सलूक नहीं करेगा, तुम्हें अपने पैमानों के मुताबिक परखा जाएगा। ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा के मजमून तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी तौफीक तुम्हारे मजाहिब के मुताबिक जांची जाएगी। अगर तुम अपने मजहब के बारे में पुरखलूस थे और सादिक थे तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं है। और एक तीसरा माना इसका यह है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना का जमाना पाने वाले वो सब लोग जो इन मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं, अगर उन तक हुजूर अकरम का पैगाम पहुंचा है तो लाजिमन वो अजर पाएंगे और मोहम्मद मुस्तफ़ा को कबूल कर लेंगे और उनको इस नेमत से महरूम नहीं रखा जाएगा। फलहुम अजरहुम, यहां अजर से मुराद इस्लाम है, यानी यह मजमून बयान किया गया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल करने वाले सारे मजाहिब से आएंगे, लेकिन सिर्फ वही कबूल करेंगे, उन्हीं को अजर मिलेगा जो अपने कौल और फेल में ज़ियानतदार हैं, जिस बात पर ईमान रखते हैं उस पर अमल भी करते हैं, और खुदा और यौम आखिरत पर ईमान लाने वाले हैं उनके मुतल्लिक फरमाया वला खौफुन अलैहिम वला हुम याहज़नून, हरगिज उनको कोई खौफ नहीं है क्योंकि खुदा ताला उन्हें लाजिमन वो अजर अता करेगा जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की सूरत में नाजिल हुआ है। चुनांचे इस तफसीर की तौसीख खुद आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हजरत हकीम इब्न हिजाम रिवायत करते हैं कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया उससे पहले भी मैं नेकियां किया करता था, गरीबों की खिदमत करता था, भूखों को खाना खिलाता था, मुसीबत ज़दगान की इमदाद करता था। तो इस्लाम के बाद मैं आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मेरी इस्लाम से पहले नेकियों का क्या बनेगा, क्या उनके लिए भी अजर है? तो मुस्तफा ने फरमाया यही तो अजर है जो तुम्हें मिल गया है, तुम जो इस्लाम ले आए हो तो खुदा ने उन्हीं नेकियों को कबूल फरमाया है जो तुम पहले किया करते थे। तो इस आयत के मजमून में कोई तजाद नहीं है, हर सूरत हाल के इंसान के साथ अदल का सलूक कर रही है और एहसान का सलूक करती है जब यह पैगाम देती है कि तुम नेकियों के नतीजे में सबसे बड़ा इनाम पा जाओगे, यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल कर लो। यह वो हिस्सा है जो गुज़श्ता तकरीर के आखिर पर बयान करना था और रह गया था। अब मैं इस मज़मून के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ और उसमें सबसे पहले मज़हब की कामिल आज़ादी के तसव्वुर को पेश करता हूँ। कुरान करीम वो एक ही किताब है जिसने मज़हब के से हर किस्म के इकराह को दूर फरमा दिया और ऐसा हैरत अंगेज अदल का सलूक फरमाया है बनी नौ इंसान के साथ कि उसकी कोई मिसाल दुनिया में नजर नहीं आती। चुनांचे कुरान करीम फरमाता है ला इकराह फिद्दीन, ला
تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقربة الوثقى بالقربة الوثقى لا انفصام لها कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं है, हर इंसान को कामिल आजादी हासिल है, ना दीन में दाखिल करने पर जबर है ना दीन से निकलने में कोई जबर है, ना खुदा बंदे पर जबर करेगा। तबय्यन और रुश्द मिनल गय, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ ये काम था कि कजी को राह रास्ते खोल कर अलग बयान करके बयान फरमा देता, बुराई को अच्छाई से अलग कर देते, नूर को अंधेरे से जुदा करके दिखाते। उसके बाद ये इंसान का अपना काम है, चाहे तो कबूल करे चाहे तो ना कबूल करे। हर किस्म के जबर की तमाम मजाहिब से नफी की गई है, क्योंकि यहां दीन का लफ्ज आम इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ इस्लाम ही से मुतल्लिक नहीं बल्कि दुनिया के हर दीन से मुतल्लिक जबर की नफी फरमाई गई है। अब बज़ाहिर बाज़ दूसरे मजहब वाले भी यही कहते हैं कि जबर नहीं है, लेकिन उनकी इलाही कुतुब का मुतालिया तो करके देखें, कहीं इसका कोई निशान नहीं मिलता ऐसी तालीम का। और दीगर मजाहिब का वो इस मामले में वैसे ही जिक्र कोई नहीं करते। कुरान करीम की ये शान है कि एक एक करके मुख्तलिफ मजाहिब का नाम लेता है और उनसे फिर जबर की नफी करता है। उन बानियान मजाहिब से ये इल्जाम दूर करता है कि गोया उन्होंने जबर की तालीम दी थी, और उनके मुखालिफीन के सर पर यह इल्जाम थोपता है। चुनाचे कुरान करीम मजहब की जो तारीख पेश करता है उसमें खूब खोल कर यह मजमून बयान फरमाता है कि मुर्तद की सजा कत्ल का अकीदा दुश्मनान मजहब का था, ना कि मजहब वालों का। अंबिया के दुश्मनों ने यह तालीम दी थी कि इर्तदाद की सजा होनी चाहिए। जहां तक अंबिया का ताल्लुक है, एक एक का नाम लेकर कुरान करीम फरमाता है कि उन्होंने ये तालीम नहीं दी थी बल्कि इस तालीम के खिलाफ एहतजाज किया था। चुनाचे हजरत शुएब के जिक्र में कुरान करीम फरमाता है, उनकी कौम ने उनसे ये कहा, लनुखरिजन्नक या शुएब वल्लज़ीना आमनू माक मिन क़रियतिना कि हजरत शुएब से उनकी कौम ने यह कहा कि शुएब तू और जो तेरे साथ वाले ईमान लाने वाले लोग हैं, तुम्हें लाजिमन हम देश निकाला दे देंगे, अपने वतन से निकाल के बाहर फेंकेंगे, या तुम इस इर्तदाद से बाज आकर हमारी मिल्लत में। इसके जवाब में बहुत ही सादगी से एक बहुत ही पाकीज़ा फिकरा हजरत शुएब ने यह कहा, अब अलौकुन्ना का रही, क्या इस सूरत में भी कि हमें तुम्हारा मजहब पसंद ना आए, दिल कराहत करता हो, तो क्या तलवार के जोर से हमारा दिल भी कायल हो जाएगा? कैसी अब्दी और लाजवाल सदाकत है। चुनाचे कुरान करीम एक के बाद दूसरे नबी का जिक्र करते हुए इस बात को दोहराता है, और मुख्तलिफ अंबिया जिनमें हजरत नूह भी हैं, हजरत इब्राहिम भी हैं, हजरत शुएब भी हैं, हजरत साले भी हैं, हजरत लूत भी हैं, मुख्तलिफ वक्तों में पैदा होने वाले इन अंबिया पर से जबर की तालीम की नफी करते हुए इनके दुश्मनों को मुल्ज़म करता है कि हमेशा इर्तदाद की सजा देने के इरादे दुश्मन किया करते थे, ना कि ये लोग।
चुनाचे इनका इज्तिमाई जिक्र करके फरमाया, وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ये सारे अंबिया जिनका जिक्र गुजरा है उन सब की कौमों ने हमेशा उनसे यही कहा कि ऐ वो जो रसूल बने फिरते हो, हम लाजिमन तुम्हें बेवतन कर देंगे. औला तऊदुन फी मिल्लतना, या तुम लौट कर हमारी मिल्लत में वापस आ जाओगे. फिर फिरौन का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने इससे भी बढ़कर सजा तजवीज की. फिरौन ने यह कहा कि तुम बाज आ जाओ इर्तदाद से, वापस आ जाओ अपनी मिल्लत में, वरना मुखालिफ सिमतों से तुम्हारे अज़ा काट कर नहायत दर्दनाक मौत का तुम्हें शिकार करूंगा. तो कुरान करीम की तारीफ इन सारे अंबिया की तालीम को पाक कर देती है. कितनी बड़ी मोहसिन तालीम, तमाम दुनिया के मजाहब से जबर का इल्जाम दूर फरमाती है और कहती है हमेशा मजहब के दुश्मनों का यह काम होता है कि वो मजहब में जबर का दखल को तस्लीम करते हैं. फिर फरमाया जबर तो अल्लाह भी नहीं करता मजहब के मामले में, बंदे को क्या हक है. जो मालिक है, जो खालिक है, जिसकी इबादत की खातर इंसान को पैदा किया गया और जिसकी इबादत से वो रूह गुर्दानी कर रहा है, वो तो जबर बर्दाश्त नहीं करता, बंदों को कैसे इजाजत दे देगा. ये तो मां से ज्यादा चाहकर फफा कुटनी कहलाने वाली बात होगी. चुनाचे फरमाया قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. फरमाया अल्लाह की तरफ से तुम्हारे रब की तरफ से हक आ गया है, फमन शाह फलयोमिन, अब तुम्हें कामिल आजादी हासिल है, जिसका जी चाहे ईमान ले आए, फमन शाह फलयकफुर, और जिसका जी चाहे इनकार कर दे. हां यह याद रखो कि खुदा की तरफ तुम्हें लौट कर जाना होगा और इनकार करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने अजाब तैयार कर रखा है. लेकिन जहां तक दुनिया का ताल्लुक है, जब मालिक जबर नहीं करता तो किसी दूसरे का कोई हक नहीं कि मजहब के मामले में जबर की तालीम दे. सबसे ज्यादा अगर जबर का हक किसी को दिया जा सकता था तो हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. इसलिए कि आप अमीन थे, इसलिए कि आप रहमतुल आलमीन थे. अमीन अमानत का हक अदा किया करता है और उसमें खयानत नहीं करता, और जो रहमत हो वो किसी पर ज्यादती नहीं कर सकता. उसके दुख से, किसी गैर के दुख से, तो वो आप ज्यादा दुखी हो जाता है. इसलिए अगर जबर का हक था, दरोगी का हक देना था खुदा ने किसी को, तो सवाए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नहीं था जिसके सुपुर्द ये किया जाता. मगर आपको मुखातिब करके फरमाया فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. اے محمد تو تو ایک ناصح ہے، تجھے میں نے نصیحت کے لیے پیدا کیا ہے، بس نصیحت کرتا چلا جا. اے مذکر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، तुझे इन लोगों पर दारोगा मैंने मुकर्रर नहीं किया. अम्मा मन तवल्ला व कफर,
हाँ अगर कोई इनकार करे और पीठ मोड़े तो अल्लाह का काम है उसको अजाब दे, और उसको अजाब अकबर देगा। लेकिन तेरा सिर्फ इतना काम है कि जिस तरह तुझे हमने नासे मुकर्रर फरमाया है तू नसीहत करता चला जा। ये तो एक आम अदल की तालीम थी, और जैसा कि मैंने बयान किया बाज़ दूसरे मज़ाहिब भी ये दावा करते हैं कि हम भी मज़हब में जबर को कबूल नहीं करते, लेकिन यह है गलत बात। तमाम दूसरे मज़ाहिब की बिगड़ी हुई शक्लें मज़हब में जबर को कबूल करती हैं। ऐसी ऐसी खौफनाक सज़ाएं तजवीज़ की गई हैं उनकी कुतब में, मसलन हिंदू कुतब में, कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनको पढ़कर। खुद ईसाई तारीख भी इस बात से भरी पड़ी है, मजहब के नाम पर जितना जबर और जितना जुल्म और सितम ईसाइयत ने किया है सारी दुनिया की कौमों ने मिलकर ऐसा नहीं किया। सिर्फ एक स्पेन की तारीख ही काफी है ईसाइयत को हमेशा के लिए मुल्ज़म करने के लिए, और वो भी उठकर इस्लाम को ताने देते हैं जबर के। वो इस्लाम जो उनके मजहब पर भी एहसान कर रहा है और कहता है कि तुम्हारा कसूर होगा, तुम्हारे मजहब का कोई कसूर नहीं, तुम्हारे मजहब ने हरगिज़ जबर की तालीम नहीं दी थी, इसलिए ईसाइयत दागदार नहीं होती तुम्हारे अफाल से, तुम दागदार होते हो। वो उठते हैं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ शुरू कर देते हैं। इस्लाम सिर्फ अदल की तालीम नहीं देता बल्कि इसे एहसान में दाखिल कर देता है, हैरत अंगेज तालीम। चुनाचे कुरान करीम फरमाता है जहां जहाद की इजाजत दी गई, जहाद की इजाजत देने की हिकमतें बयान करते हुए एक अजीब बात बयान फरमाता है, फरमाता है वलौला दफुल्लाह الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا। क्या मुसलमानों, हम तुम्हें मजहब के खिलाफ तलवार उठाने वालों से लड़ने की इजाजत देते हैं, ये इससे पहले फरमाया, इसलिए इजाजत देते हैं कि तुम मजलूम हो, इसलिए कि महज इस खुदा पर ईमान लाने की खातिर घरों से निकाले गए हो, पहले तुम पर तलवार उठाई गई है तुमने पहल नहीं की। लेकिन याद रखो कि ये इजाजत सिर्फ तुम्हें अपने लिए नहीं है, तुम सारी दुनिया के लिए अमीन बनाए गए हो, तुम्हें मुकर्रर किया जाता है तमाम दुनिया के मजलूमों की हिफाजत के लिए। चुनांचे फरमाया अगर खुदा ताला ने बाज़ लोगों के खिलाफ दिफा की इजाजत ना दी होती जैसे कि अब दे रहा है, लहुद्दमत सवामे हो तो ईसाइयों के गिरजे और राहिबों के इबादत खाने तबाह हो जाते। सवामे हो अबे व सलावातुन और यहूद के माबद भी तबाह हो जाते, व मसाजिद हो और मसाजिद का जिक्र सबसे आखिर पे किया। गोया दिफा जहाद की इजाजत में सबसे पहले जो वजह बयान फरमाई वो ईसाइयों के माबिद यहूदियों के माबिद, और फिर फरमाया कि मस्जिदें भी वीरान कर दी जाती हैं अगर मजलूमों को जुल्म के खिलाफ उठने की इजाजत न, जालिम के खिलाफ उठने की इजाजत न दी जाती। चुनाचे इस आयत की तफसीर करते हुए ही अमलन आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम शान फैसला मिलता है, और वो फैसला रहती दुनिया तक इस मजमून पर बनी नौ इंसान के लिए एक चार्टर की हैसियत रखता है। इस आयत से जो मैंने ये इस्तंबात किया कि मुसलमानों का फर्ज है कि गैर मजाहिब के माबिद की भी हिफाजत करें, और जहाद के मकासिद में से एक ये मकसद है, ये इतनी अजीम शान एहसान की तालीम है कि दुनिया के किसी मजहब में इसके पसंद की भी तालीम नजर नहीं आती। इसकी ताईद इसकी तौसीक खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से होती है। चुनांचे सन 4 हिजरी में
सेंट कैथराइन के ईसाई राहबों के नाम आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तहरीर लिखी जो उनके सुपुर्द अमानत के तौर पर फरमा दी, और बयान किया जाता है कि वो महफूज चली आई है उस वक्त से अब तक। वो तहरीर ये थी, आपने फरमाया मुसलमानों का ये फर्ज है कि वो ईसाइयों के गिरजाओं और राहिबों के मकानों और ज्यारतगाहों को उनके दुश्मनों से बचाएं। मुसलमानों का फर्ज है कि वो ईसाइयों के गिरजाओं और राहिबों के मकानों और ज्यारतगाहों को उनके दुश्मनों से बचाएं। जो ऐसा ना करेगा वो खुदा ताला के अहकामात को तोड़ेगा और उनकी खिलाफ वर्जी करने वाला होगा और अपने दीन को जलील और रुसवा करने वाला होगा। कितना हैरत अंगेज इंतबाह है, किस तरह खोल खोल कर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के अहकामात को वाज़े फरमाते हैं। और फिर कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि इसी दीन में वो लोग पैदा हुए जिन्होंने इस्लाम के नाम पर जबर की तालीम दी और खुद अपने दीन को जलील और रुस्वा करने का मुजिब बन गया, और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तंबीह से कोई फायदा ना उठाया। यह तालीम सिर्फ एहसान तक ही बाकी नहीं रहती बल्कि उससे भी आगे बढ़ जाती है और अमलन इताए जिल कुर्बा में दाखिल हो जाती है। हैरत अंगेज तालीम है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तफसील और इस बारीकी से दूसरे के मामलात में दखल देने से रोका गया है और इंसान के हक को कायम किया गया है, उसकी आजादी जमीर की हिफाजत फरमाई गई है कि मामला एहसान से भी आगे बढ़ जाता है। चुनाचे इस रवायत पर गौर कीजिए कि हजरत उसामा बिन जैद बयान करते हैं कि एक मरतबा आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमें एक जंग पर भेजा, रस्ते में हमें एक ऐसा मुशरिक मिला, जरा गर्म लाओ ठंडा हो गया, जो इधर उधर जंगल में छुपता फिरता था और जब कभी उसको मौका मिलता था किसी अकेले दुकेले मुसलमान को पकड़कर कत्ल कर दिया करता था। ये वो हालात हैं जिनमें उसामा बिन जैद बयान करते हैं कि बिल आखिर जब वो मेरे काबू आया तो मैंने उसके कत्ल का इरादा किया लेकिन उसने जवाबन ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन इतने जुलूस और वाजे तौर पर इतना फसादी और जालिम इंसान था कि मैंने ये समझते हुए कि झूठ बोल रहा है सिर्फ जान बचाने की खातिर शरारत कर रहा है उसको कत्ल कर दिया और उसके कौल की परवाह ना की। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लड़ाई की खबर देने के लिए मैं मदीने पहुंचा और सारा वाकया हुजूर से बयान किया तो आपने हैरत से पूछा कि क्या तुमने उसको वाकई मार दिया? मैंने कहा हाँ या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया क़यामत के दिन क्या करोगे जब ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा? मैंने बार बार अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह वो तो डर के मारे ईमान जाहिर कर रहा था। और उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही फरमाते रहे अफला शकक्ता अन कल्बिही हत्ता तालमा अकालहा अमला अफला शकक्ता अन कल्बिही हत्ता तालमा अकालहा अमला, कि तूने उसका दिल चीर कर देख लिया था कि वो झूठ बोल रहा है? और फिर बार बार ये फरमाते चले गए कि ओ अपनी जान पर जुल्म करने वाले इंसान, तुम क्यामत के दिन क्या जवाब दोगे जब उसका ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा? उसामा कहते हैं कि उस वक्त मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं आज ही इस्लाम लाया होता और यह हरकत मुझसे सरजद ना हुई होती। इसको कहते हैं इताज़िल कुर्बा, क्योंकि ये सिर्फ माएं ही होती हैं जो जानती भी हों कि बच्चे झूठे बहाने कर रहे हैं तब भी मान जाया करती हैं उनकी बातों।
सुतेलों का काम ये नहीं है। गैर औरतें इस तरह रहम नहीं किया करती दूसरों के बच्चों पर। ये मां का दिल गुर्दा होता है, वो जानती है कि झूठ बोल रहा है, वो बख्शिश के बहाने ढूंढा करती है जबकि गैर जुल्म करने के बहाने ढूंढते हैं। तो ये थे हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा, सब माओं से बड़े नौ इंसान से प्यार करने वाले। इस शान के साथ आपने इंसान की जमीर की आजादी के हक को कायम फरमाया है। क़यामत तक शमे रोशन रहेंगी और बनी नौ इंसान की ज़हनों और उनके कल्बों को रोशन करती रहेंगी। इसके बरक्स भी एक मामला था जहां खौफ की बजाय एक हिर्स के नतीजे में भी झूठ बोला जाता था, उस मौके पर भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार उसी तरह गैर मुतज़ल्ज़िल है। वही फैसला फरमाता है जैसे गोया कुतुब थे आप दीन के, जो टलता नहीं अपनी जगह से, दूसरी सारी कायनात घूम जाती है और टलती है और उससे रहनुमाई हासिल करती है। मुख्तलिफ आपकी जात के गिर्द घूमा करते थे लेकिन आपकी जात उस मरकज से नहीं टला करती थी जो हदायत और नूर का मरकज था। जंगे बदर के मुतल्लिक ये रिवायत है कि जब मुसलमानों को बहुत ही कमजोरी का एहसास था और जानते थे कि दुश्मन का पल्ला बहुत भारी है, एक अरब का मशहूर बहादुर शुजा जो मुशरिक था मुसलमानों के लश्कर में आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ना चाहता हूं। सहाबा में खुशी की लहर दौड़ गई और वो उसको लेकर आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। आपने सुनकर उसकी पेशकश को रद्द फरमा दिया और फरमाया कि मैं एक मुशरिक से मदद नहीं लूंगा। थोड़ी देर के बाद वो शख्स फिर आया, फिर आपने वही जवाब दिया कि मुझे खुदा के सिवा किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं इस मुकद्दस जहाद में किसी मुशरिक की मदद नहीं। वो तीसरी बार फिर हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मैं ईमान लाता हूं और मुसलमान होता हूं। आपने फरमाया ठीक है, खुशी से हमारे साथ आ जाओ। हालांकि कराइन ये कह रहे हैं कि उसने बदले उतारने हैं और मक्के वालों से अपने जाती लड़ने का शौक है और कोई वजह नहीं। लेकिन कैसी हैरत अंगेज आजादी है जमीर की और कौल के पर एतबार की, इससे बड़ी तालीम दी जा सकती। फिर एक और मौके पर कुरान करीम ने इस मजमून को खूब खोल कर बयान फरमाया। गर्म है चाय या कहवा है? अल्लाह ताला फरमाता है कालतिल अराद वामन्ना कुल लम तुमनु वलाकिन कुलू वस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بدو لوگ، یہ عرابی कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, तू इनसे कह दे कि तुम ईमान नहीं लाए। वलाकिन कुलू असलमना, उसके बावजूद इनको मुसलमान कहलाने की इजाजत दे और कह दे कि तुम्हें इजाजत है कि तुम ये कहा करो कि हम इस्लाम ले आए। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, बावजूद इसके हम तुम्हें ये इजाजत देते हैं कि तुम्हारे दिलों में ईमान ने झांक कर भी नहीं देखा, यानी ईमान का गुजर ही नहीं हुआ दिलों से। लम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, और फिर भी हौसला देखो कि हम कहते हैं कहो अपने आप को मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता।
खुदा ऐलान कर रहा है, आज तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो दिलों में झांक कर देख सके कि ईमान है भी कि नहीं। इससे ज्यादा कतई गवाही क्या हो सकती है कि अर्श का खुदा दुनिया के सबसे ज्यादा सच्चे खुदा इंसान को बता रहा हो कि उनके दिलों में ईमान नहीं है, फिर फरमा रहा हो कि इनको कहो कि बेशक अपनी मुसलमानी का ऐलान करें। ये हैं हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका और मौला। ताज्जुब है कि वो लोग जो आज इस्लाम के नाम पर जबर की तालीम देते हैं, जो मुंह के कौलों को झूठा करार देते हैं, गोया खुदा बनते हैं और कहते हैं कि हम दिलों का हाल जानते थे, जबकि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्ला उनका इल्म नहीं था। मैं उनसे ये कहता हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी दिन रात जिक्र करते हैं और दिन रात उनके उनका कलाम यही है, उनके दिलों में ये बात वारिद होती है, उनकी रूह की पिनहाइयों से गहराइयों से ये कलमे उठते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो एक सुनकर कांप गया था कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे मुकाबले पर गवाही देगा तो मेरा क्या बनेगा। तुम क्यों खौफ नहीं करते कि तुम्हारे खिलाफ ला इलाहा इल्लल्लाह भी गवाही देगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी गवाही देगा। ईमान की अहमियत के बावजूद, क्योंकि सब कुछ ईमान पर ही मुनसिर है, तमाम आमाल का दारोमदार ईमान पर है, फिर भी अल्लाह ताला ने एक ऐसी कामिल तालीम दी है जो हर इंसान की हालत पर नजर रखते हुए उसके हालात के मुताबिक उससे रियायत का सलूक भी करती चली जाती है। ईमान को जरूरी भी करार दिया, उसके बगैर कोई जिंदगी नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह जानता है कि बाद लोग कमजोर होते हैं, उनके अंदर ताकत नहीं होती जबर को बर्दाश्त करने की। बावजूद इसके कि इस्लाम जबर की इजाजत नहीं देता, लेकिन इस्लाम का खुदा जानता है कि दुनिया में बहुत से होंगे जो जबर, तो उन कमजोरों को पेश नजर रखते हुए अल्लाह ताला ने उनके ऊपर से इनकार की पकड़ उठा ली, यानी हर किस्म के इंसान से उसके मुताबिक सलूक किया। इस अदल की एक ये तारीफ है कि जिस किस्म की किसी की हैसियत हो उसके मुताबिक उससे सलूक किया जाए और एक ही लाठी से सबको ना बराबर हांका जाए। चुनांचे कुरान करीम फरमाता है, मन कफर बिल्लाह मिन बाद इल्ला मन उकरह व कल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान वलाकिन मन शराह बिल कुफ्र सदरन फअलैहिम गज़बुम मिन अल्लाह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अन्नहल आयत 107 फरमाता है, जो लोग भी ईमान लाने के बाद अल्लाह का इनकार करें, सवाए उनके जिन्हें कुफर पर मजबूर किया गया, ये बहुत ही हैरत अंगेज फसीह बलीग कलाम है, और गौर से देखें तो किस कदर बारीक बीनी से इस मजमून को बयान फरमाया। बाद लोग ये कहते हैं इस्लाम के नाम पर कि जो ईमान के बाद कुफर इख्तियार करे उसकी सजा मौत है, या कत्ल है, या अपने वतन से निकाल देना है। कुरान करीम बैन ही यही मजमून शुरू करता है, फरमाता है, मन कफर बिल्लाह मिन बाद ईमान ही, जो अल्लाह का इनकार कर दे ईमान लाने के बाद उसके साथ तुम कैसे कोई सुलूक कर सकोगे, क्योंकि दिलों का हाल तुम जानते नहीं,
खुदा ने तो ये फैसला किया है कि अगर वो इनकार कर रहा हो और मजबूर किया गया हो, जुल्म की वजह से बर्दाश्त ना कर सका हो जुल्म को, और इस बिना पर उसने इनकार कर दिया हो जबकि उसका दिल मुतमैन हो, तो उस पर कोई पकड़ नहीं होगी। तो किस तरह बनी नौ इंसान की पकड़ से हर इंसान को आजाद फरमा दिया और खुद अपनी पकड़ से भी उस कमजोर को आजाद कर दिया जिसमें जबर को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। ये तो है इस तालीम का इब्तदाई हिस्सा, और ये हिस्सा अदल से ताल्लुक रखता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा का मजमून है जो यहां जारी किया गया है। इस ज़मन में एहसान की तालीम खुदा ताला ये देता है कि खुदा की राह में जाने निशावर करो। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्नलहुमुल जन्ना, कि मैं तुम्हें अदना हालतों पर नहीं देखना चाहता। अगर तुम मजबूर किए जाओ और इनकार भी कर दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एहसान का सलूक करो, और जान भी मेरी राह में देनी पड़े तो दे दो और कोई परवाह ना करो। फरमाया कि अगर ऐसा करोगे तो मैं कहता हूं मैंने तुमसे सौदा कर लिया है, लाजिमन इसके बदले में तुम्हें जन्नतें अता करूंगा। और फिर कुछ ऐसे मोहसिनीन भी हैं जो इन आम एहसान करने वालों से बढ़ जाते हैं, और महज एक दफा जान फिदा करना उनके लिए काफी नहीं होता। उनके दिल में यह तमन्ना तड़पती है कि काश बार बार हम खुदा के हुजूर जाने फिदा करें। यह वो मजमून का हिस्सा है जो इताए दिल कुर्बा में दाखिल हो जाता है। चुनाचे जंगे उहद के वक्त एक नौजवान सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हाल में पाया कि उनका चेहरा गम से बुझा हुआ था और गहरे दुख के आसार उनके चेहरे पर पाए जाते थे, क्योंकि उनके वालिद शहीद हो चुके थे। अब सुनिए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उनकी दिलदारी फरमाई। आपने फरमाया, जाबिर, उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह क्या है? फरमाया, मैं तुम्हें एक खुशी की खबर सुनाऊं? उन्होंने अर्ज किया, हाँ या रसूलुल्लाह, बताइए। आपने फरमाया, जब तुम्हारा वालिद शहीद हुआ और अल्लाह के हुजूर पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने उनसे बेहिजाब होकर कलाम फरमाया और फरमाया कि जो मांगना चाहते हो मुझसे मांगो। तुम्हारे बाप ने अर्ज किया कि ऐ मेरे अल्लाह, तेरी किस नेमत की कमी है? हाँ, एक ख्वाहिश है कि फिर दुनिया में जाऊं और तेरे दुश्मनों से जाके लड़ूं और फिर जान दे दूं। और इसी तरह होता चला जाए। खुदा ने फरमाया, मैं तेरी इस ख्वाहिश को जरूर पूरी कर देता, लेकिन मैं ये अहद कर चुका हूं कि इन्नहुम ला यरजून, जो लोग एक दफा मेरे पास हाजिर हो जाए वो दोबारा लौटाए नहीं जाएंगे। बस इस्लाम ने ईमान की खातिर जान देने के मजमून को भी तफसील से बयान फरमाया, अदना हालतों का भी जिक्र फरमाया और कमजोर इंसानों से आदलाना सलूक का भी जिक्र फरमाया, एहसान करने वालों का भी जिक्र फरमाया और उसके नतीजे में अल्लाह उनसे क्या सलूक फरमाएगा उसका भी जिक्र फरमाया, और इनकी सफ़े अव्वल का जिक्र भी फरमाया। जो माँ की तरह प्यार करने लग जाते हैं खुदा के कामों से और उन कामों से ज़ाती मोहब्बत रखते हैं, अजर की खातिर मरना नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते कि उनके लिए जन्नत का वादा है, बल्कि खुदा की खातिर फिदा होने में लज्जत मिलनी शुरू हो जाती है। इबादात में सबसे पहला मुकाम दुआ का है, चुनांचे अब मैं दुआ में अदल के मजमून को बयान करता हूं। यह मजमून भी नहायत बारीकी के साथ इन तीनों शोबों में फैला हुआ है। चुनांचे अदल की तालीम का इस तरह जिक्र मिलता है, अल्लाह ताला फरमाता है, वैदा साल कैबादी अन्नी फैनी करीब उजी बो दावत दाए दादा ने
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دیا کر انی قریب, اور ان سے کہہ دیا کر کا مضمون تو بیچ میں داخل سمجھا گیا ہے, ورنہ یہ آیت تو صرف اتنا کہتی ہے کہ گویا خدا خود بول پڑا ہے انی قریب. وہ محمد مصطفیٰ سے سوال کر رہے ہیں اور ادھر سے خدا کا جواب ان کو یہ سنائی دیتا ہے کہ میں تو پاس کھڑا ہوں, کیا پوچھ رہے ہو, کس کے متعلق پوچھ رہے ہو. لیکن اس میں ساتھ ایک عدل کی تعلیم بھی دی, فرمایا اجیب و دعوت دائے زادان فل یستجیب لی, میں ضرور دعا کرنے والے کی دعاؤں کو سنوں گا لیکن وہ دعا کرنے والا بھی تو میری باتوں کو سنا کرے. یہ یک طرفہ راستہ نہیں ہے کہ تم یہ توقع رکھو کہ گویا خدا تعالیٰ نوکر لگا ہوا ہے تمہارا, تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرتا چلا جائے. ضرور مانوں گا لیکن یہ توقع رکھوں گا ساتھ کہ تم بھی پھر میری باتیں مانا کرو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور میرے ایمان کے تقاضے پورے کرو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, یہ سودا ہے بظاہر, ایک انصاف کی بات ہے لیکن ہے تمہارے اپنی بھلائی میں, اس لیے نہیں کہ اللہ کو شوق ہے کوئی اپنی بات منوانے کا. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ, ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے. اگر یک طرفہ دعائیں قبول ہوں سب انسانوں کی تو یہ رشد کے خلاف ہے, یہ تعلیم دی جا رہی ہے. ہر فاسق و فاجر اپنے فسق و فجور پہ دوام اختیار کر جائے گا. اگر یہ عام قانون ہو جائے کہ خواہ کتنا گناہگار ہو, خدا کی باتیں مانے یا نہ مانے, اس کے بندوں پر ظلم کرے یا احسان کرے, قطع نظر اس کے ہر انسان کی ہر آواز کا جواب دیا جائے تو لعلہم یرشدون کے خلاف ہے, ہدایت دنیا سے اٹھ جائے اور ہر نفس کا گندا یہ غلطی سے سمجھنے لگے کہ خدا ان سب باتوں کے باوجود میرا نہ صرف مجھ سے پیار کرنے والا بلکہ میرے ساتھ تو وہ عاجزانہ سلوک کرتا ہے, ادھر میں اس کو پکاروں ادھر فوراً وہ جواب دے دیتا ہے. تو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے یہ عدل کی تعلیم ضروری تھی, لیکن بعض ایسے بھی مواقع ہوتے ہیں جہاں عدل کی بجائے احسان کا معاملہ کرنا پڑتا ہے, چنانچہ اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے فرمایا. فرماتا ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, کہ کون ہے جو مستر کی دعا کو سنتا ہے وہ یکشف السوء اور اس سے برائیوں کو دور کر دیتا ہے, وہ یجعلکم خلفاء الارض, اس نے تمہیں زمین کا وارث بنا دیا ہے, ساری زمین پہ ملکیت بخش دی ہے انسان کو. آئلہم اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو یہ کرتا ہے, کیا ہے کسی کا حوصلہ ایسا جو جیسے اللہ کا حوصلہ ہے. قلیل ما تذکرو, وائے افسوس تم بہت تھوڑی باتیں سمجھتے ہو. یہاں مستر سے مراد دکھوں کا مارا ہوا انسان ہے. بعض دفعہ دکھ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بے اختیار دل سے ہوک اٹھتی ہے, اس موقع پر خدا تعالیٰ عدل کے معاملے کو بھول جاتا ہے اور احسان پر اتر آتا ہے, پھر یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کافر ہے کہ مومن ہے, نیک ہے کہ بد ہے, اور بسا اوقات ان دردناک چیخوں کو سنتا ہے اور ان کو قبول کر لیتا ہے. تمام دنیا میں ہر جگہ مشرکین میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں, دہریوں میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں,
जब इंतहाई दुख और तकलीफ के वक्त वो खुदा को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद को आ जाता है। दुआ में एहसान की तालीम और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ में मजलूम को भी दाखिल फरमा दिया। चुनाचे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकू दावत अल मजलूम व इन कान काफिरम मा बैनहा व बैनल्लाह हिजाब। दावत अल मजलूम मुस्तजाबतु व इन कान फाजिरन फफुजूरुहु अला नफ्सिह। कि खबरदार मजलूम की पुकार से बचो, खा वो मजलूम काफिर ही क्यों ना हो, उसकी दुआ और खुदा के दरमियान कोई चीज हायल नहीं हो सकती। यह है मुस्तर की दुआ। मजलूम सबसे ज्यादा मुस्तर हालत में होता है, इस तरह की हालत में होता है। और यह है तफसीर नबवी, किस शान की तफसीर फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि देखो बाज हालतें ऐसी होती हैं इंसान की जबकि अल्लाह की रहमत जोश मारती है और ये नहीं देखती कि ये काफिर है कि मोमिन है, उस वक्त की दुआएं कबूल कर ली जाती हैं। इसलिए तुम जुल्म ना करना कभी किसी पर, क्योंकि मजलूम की दुआ और खुदा के दरमियान में कोई चीज हायल नहीं हो सकती। फिर खुदा इस मजमून को इताए ज़िल क़ुरबा में भी दाखिल फरमा दिया। और फरमाता है कि हम जानते हैं बाज लोगों की शरारतों से मुतल्लिक कि वो इसी तरह जारी रहेंगी। हम ये भी जानते हैं कि झूठी बातें करते हैं, जैसा कि मैंने बयान किया कि ये माँ का हौसला होता है कि झूठी बात जानकर भी फिर भी रहम कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे वाकयात हमसे भी पेश आते रहते हैं और हम भी बसा औकात दरगुजर कर देते हैं। इंसान गलती से ये समझने लगता है कि हमें धोखा दे दिया, कोई धोखा नहीं है। फरमाता है वल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्के वजरैना बिहिम बिरीहिन तय्यिबतिन बिरीहिन तय्यिबतिन व फ़रहू बिहा जा थारी हुन आसिफ व जाहुमुल मौज मिन कुल मकान व जन्नू अन्नहुम उहीत बिहिम दाउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون يونس آيات 23 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے जो तुम्हें खुश्की में भी चलाता है और तरी में भी, समंदर में भी, यहां तक कि जब तुम कश्ती में बैठे हुए होते हो तो बहुत ही पाकीजा हवाएं चलती हैं और तुम खुश हो जाते हो। फिर अचानक वो हवाएं पलट जाती हैं और शदीद तुंद हवा चलने लगती है और डराने वाली मौजें उठती हैं हर तरफ से, और उस वक्त वो लोग ये समझने लगते हैं कि अब वो घेरे में आ गए हैं और बचने की कोई राह बाकी नहीं रही। फिर वो अल्लाह को मुखलिसीन लहुद्दीन करके पुकारते हैं।
पूरे इखलास के साथ यूं मालूम होता है कि जैसे उनसे ज्यादा सच्चा और मुखलिस है ही कोई नहीं। कहते हैं, ऐ खुदा, हमारा तो दीन खालिस तेरे लिए है। और वादे करते हैं, लैन अंजैतना मिन हाज़िही लनकूनन्ना मिन शाकिरीन, अगर तूने अब हमें निजात दे दी तो हम जरूर शुक्र करने वालों में से होंगे। फरमाता है, फलम्मा अंजाहुम, जब खुदा उनको निजात दे देता है, इज़ाहुम यबगून फिल अर्ज़ बग़ैर हक, फिर वो जमीन में उसी तरह नाहक बगावतें करने लगते हैं और फितना और फसाद बर्पा करते हैं। और अल्लाह को पहले इल्म होता है। चुनाचे एक और जगह इसी मजमून को बयान करते हुए फरमाया, बल इयाहु तदून फयक्षिफु मा तदून इलैहि व तनसौन मा तुशरिकून। अल्लाह ताला भूल जाता है जानकर। कैसा प्यारा कलाम है, किसे मोहब्बत का इजहार फरमाया गया है। खुदा तो भूल नहीं सकता, लेकिन ये एक अंदाज़े कलाम है। फरमाता है, दरगुजर करने की खातिर गोया खुदा भूल गया है कि तुम मुशरिक लोग हो और तुम आइंदा भी मुशरिक करते चले जाओगे। तो दुआ के मजमून को कुरान करीम ने इताए दिल कुर्बान कर दिया। यही मजमून बंदे के लिहाज से भी इताए दिल कुर्बान में दाखिल हो जाता है जब उसे शफात की इजाजत दी जाती है। बाज बंदे खुदा को इतने प्यारे होते हैं कि उनको गैर मामूली ताकत अता करता है वो कबूलियत की। यानी एक तरफ खुदा ताला का सलूक जालिमों से ऐसा है कि इताए ज़िल क़ुरबा की हद में दाखिल हो जाता है, और एक तरफ अपने प्यारों से ऐसा है कि वो मजमून भी इताए ज़िल क़ुरबा में दाखिल हो जाता है, और अपने बाज बंदों को वो शफात की इजाजत देता है खुद और कहता है, भूल जाओ मेरे कवानीन को, मेरा यह कानून गालिब आएगा कि मैं तुझसे प्यार रखता हूं, जो तू कहेगा मैं उसे पूरा कर दूंगा। चुनाचे माजी के किस्से नहीं हैं, अहमदियत ने इन बातों को अपने सामने पूरा होते देखा है। हमारा खुदा वो खुदा नहीं है जो माजी में कलाम किया करता था और आज बंद कर चुका है। हमारा खुदा वो खुदा नहीं है जो माजी में अता किया करता था और अब अता छोड़ बैठा है। वो एक जिंदा खुदा है जिसकी अता उसी तरह लामुतना ही है और जारी और सारी। चुनाचे हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह सलूक फरमाया। हजरत मुंशी जफर अहमद साहेब रवायत करते हैं कि एक दफा हयात मोहम्मद नामी एक तालिब इल्म को प्लेग हो गया। हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल को हजूर हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उनका जाके मुआयना करें। उन्होंने जाके देखा तो 6 गुठलियां निकल आई थी ताउन की, और वापस आकर उन्होंने रिपोर्ट की कि उसके तो बचने की सूरत नजर नहीं आती, बुखार तेज था और पेशाब के रस्ते से खून जारी हो चुका था। जब हजरत मौली साहब ने यह बात जाहिर की कि उसका मर जाना अगलब है, हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल भी बड़ी एहतियात से कलाम फरमाया करते थे। आम डॉक्टर तो कह देते हैं ना, नामुमकिन है बचना या यकीनन मर जाएगा, लेकिन आरिफ बिल्ला ये बात नहीं कह सकता। इसलिए उन्होंने नहायत एहतियात से अगलब का लफ्ज बोला कि आम दुनिया के हालात में तो इसका मरना यकीनी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अल्लाह नहीं बचा सकता, वो जब चाहे जिसको चाहे बचा। मुंशी साहब कहते हैं कि हम हजरत हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, दुआ के लिए अर्ज की। हजरत साहब ने फरमाया, मैं दुआ करता हूं। कहते हैं, हम सब रोते जाते थे। मैंने रोते रोते अर्ज की कि हुजूर, दुआ का वक्त नहीं, सिफारिश फरमाएं। मेरी तरफ मुड़कर देखा, फरमाया, बहुत अच्छा। मस्जिद की छत पर मैं और मुंशी रूड़ा खान साहेब और मोहम्मद खान साहेब सोते थे। 2 बजे रात के हजरत साहेब ऊपर तशरीफ लाए और फरमाया, हयात खान का क्या हाल है। हम में से किसी ने कहा कि शायद मर गया होगा। फरमाया कि जाकर देखो। उसी वक्त हम तीनों बाग में गए तो हयात खान कुरान शरीफ पढ़ता और टहलता फिरता था।
हयात खां कुरान शरीफ पढ़ता और टहलता फिरता था और उसने कहा मेरे पास आओ, डरते क्यों हो? मेरी गिल्टी और बुखार कुछ भी नहीं रहा, मैं अच्छा हूं। चुनाचे हम पास गए तो कोई शिकायत ना पाई। हमने अर्ज की कि हजूर उसको तो बिल्कुल आराम है। आपने फरमाया साथ क्यों नहीं लेते आए? क्योंकि उसके बाप को तार दिया गया था कि उसके बचने की नहीं है। हम तीनों ये अजीमुशान मौजदा देखकर इजाजत लेकर कादियान से रवाना हो गए ताकि उसको जाकर इतला दे दी जाए कि फिक्र न करे, बच गया है। नहर पर उसका बाप मिला जो यक्का दौड़ाए आ रहा था। उसने हमें देखकर पूछा कि हयात का क्या हाल है। हमने ये सारा किस्सा सुनाया। ये सुनकर खुशी से बेहोश हो गया और देर तक उसको होश ना आई। फिर जब उसको होश आया तो वुजू करके नवाफिल पढ़ने लग गया और हम चले आए। बस दुआ का मजमून बंदे के लिहाज से भी, नेकों के लिहाज से भी इताए दिल कुर्बा में दाखिल हो जाता है जब अल्लाह ताला शफात की इजाजत अता फरमाता है। इसी तरह दुआ में एक और पहलू से भी अदल की तालीम दी गई। अजीब कलाम है कलाम इलाही कि किसी बारीक से बारीक चीज को भी नहीं छोड़ता। अदल की तालीम है तो हर शोबे पर हावी है, हर बारीक पहलू को भी जेर नजर रखती है। चुनाचे दुआ में अदल की तालीम की एक मिसाल यानी नफ्स मजमून के लिहाज से यह है कि हजरत अनस रवायत करते हैं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान की इयादत के लिए तशरीफ ले गए। लेकिन इस वाकया से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस मजमून को कुरान करीम ने भी बयान फरमाया है, फरमाया कि फिर दुनिया हसनतन की दुआ ना किया करो, सिर्फ फिर दुनिया हसनतन व फिर आखिरत हसनतन की दुआ किया करो। यानी दुआ में भी अदल सिखाया कि ना सिर्फ दुनिया मांगा करो, ना सिर्फ आखिरत मांगा करो, बल्कि दोनों चीजें मांगा करो। चुनाचे इस रवायत से पता चलता है कि एक सहाबी बहुत ही सख्त बीमार हो गए। उनके मुतल्लिक सहाबा कहते हैं कि वो इतने कमजोर हो गए थे कि ऐसे लगते थे जिसके पर नोच लिए गए, कोई जिस्म में जान नहीं थी। हुजूर खुद उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए और जाकर यह पूछा कि तुम इस किस्म की दुआ किया करते थे या इस किस्म की लागरी मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे इस दुनिया में बेशक जो मर्जी कर दे, आखिरत बचा लेना। उसने अर्ज किया कि हाँ या रसूलुल्लाह, मैं यही किया करता था, मैं ये दुआ मांगता था कि जो सजा तू मुझे आखिरत में देना चाहता है उसे जल्द इसी दुनिया में दे दे और आखिरत के अजाब से बचा ले। उस पर आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह, तुझे इसकी कहां ताकत कि अल्लाह की तरफ से पकड़ को बर्दाश्त कर सके। सुभान अल्लाह, तुझे इसकी कहां ताकत, क्यों ये दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, दुनिया में भी मुझे भलाई अता फरमा और आखिरत में भी मुझे आग के अजाब से बचा और भलाई अता फरमा। तब रावी कहते हैं कि आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसके लिए ये दुआ की और वो मरता मरता जिंदा हो गया। अब इबादात में निस्बतन ज्यादा तफसील के साथ अदल एहसान और इताए दिल कुर्बा की तालीम का जिक्र करता हूं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इन तीनों मजामीन को इबादत के ताल्लुक में अलग अलग बयान फरमाया है और इतना हैरत अंगेज आरिफाना कलाम है कि वो हुजूर ही की जुबान से सुनने में मजा देगा। हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आयत इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान की तफसीर करते हुए फरमाते हैं खुदा की अतात करने वाले दर हकीकत तीन किस्म पर मुनकसिम हैं। अव्वल वो लोग जो बाबाई से महजूबियत और
रोयत असबाब के एहसान इलाही का अच्छी तरह मुलाहजा नहीं करते और ना वो जोश उनमें पैदा होता है जो एहसान की अजमतों पर नजर डालकर पैदा हुआ करता है। यानी मुराद ये है कि रोजमर्रा इंसान तला के एहसान के नीचे है, सुबह रात दिन हो या शाम हो, जो भी कैफियत हो, बे इंतहा अल्लाह के एहसानात इंसान पर नाजिल हो रहे हैं हर वक्त। लेकिन बाज लोग महजूबियत की हालत में जिंदगी गुजार देते हैं, एक गफलत की हालत में जिंदगी गुजार देते हैं और वो महसूस नहीं कर रहे होते कि किस तरह हर वक्त अल्लाह ताला से के एहसानात की बारिश हम पर बरस रही है। चुनाचे इस गफलत के नतीजे में आप फरमाते हैं वो जोश उनमें पैदा नहीं होता जो एहसान की अजमतों पर नजर डालकर पैदा हुआ करता है और ना वो मोहब्बत उनमें हरकत करती है जो मुस्लिम की अनायात अजीमा का तसव्वुर करके जुम्बिश में आती है, बल्कि सिर्फ एक इजमाली नजर से खुदा ताला के हकूक खालिकियत वगैरह को तस्लीम कर लेते हैं। सो उनकी नाकिस मारिफत रियायत असबाब की कुदूरत से मिली हुई होती है और बवजह इसके जो वो खुदा के एहसानात को अच्छी तरह नहीं देख सकते, खुद भी उसकी तरफ वैसा इल्तिफात नहीं करते जो एहसानात के मुशाहदा के वक्त करनी पड़ती है, खुद भी उसकी तरफ वो इल्तिफात नहीं करते जो एहसानात के मुशाहदा के वक्त करनी पड़ती है, चूंकि खुदा ताला इंसान को उसके वुसत फहम से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, इसलिए उनसे जब तक वो इस हालत में हैं यही चाहता है कि उसके हकूक का शुक्र अदा करें। और आयत इन्नल्लाह यामरो बिल अदल में अदल से मुराद यही अतात है। बस वो लोग जो खौफ खाते हैं अपनी उन नमाजों से मुतल्लिक जिनमें उनको सुरूर नहीं मिल रहा होता, जिनमें वो खुदा ताला के हुजूर हुजूरी के जज्बात नहीं पाते और बड़े फिक्र के बाद लोगों के खत आते हैं, उनको कम से कम इतनी खुशखबरी तो जरूर है कि अल्लाह ताला उनके साथ उनके हाल के मुताबिक मामला करेगा। और यहां अदल भी अल्लाह का एहसान है, वो जानता है आपकी कैफियत को और आपकी कमजोरियों को, खुदा ताला यहां अदल का सलूक फरमाएगा कि बहुत अच्छा तूने अपनी ताकत के मुताबिक तो इबादत शुरू कर दी, मैं इसी को कबूल कर लेता हूं। लेकिन उस पर खड़े रहना मोमिन का काम नहीं क्योंकि तरक्यात के लाभ उतना ही आगे रास्ते खुले हैं और यही इबादत एहसान में फिर दाखिल हो जाती है। चुनांचे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाते हैं मगर इससे बढ़कर एक इंसान की मारिफत का है और वो ये है कि जैसा कि हम बयान कर चुके हैं इंसान की नजर रोयत असबाब से बिल्कुल पाक और मुनज़्ज़ा होकर खुदा ताला के फजल और एहसान के हाथ को देख लेती है और इस मर्तबा पर इंसान असबाब के हिजाबों से बिल्कुल बाहर आ जाता है। और ये मकूला कि मसलन मेरी अपनी ही आप पाशी से मेरी खेती हुई और या मेरे अपने बाजू से ये कामयाबी मुझे हुई या जैद की मेहरबानी से फला मतलब मेरा पूरा हुआ और बकर की खबरगिरी से मैं तबाही से बच गया, ये तमाम बातें हेच और बातिल मालूम होने लगती हैं और एक ही हस्ती और एक ही कुदरत और एक ही मोहसिन और एक ही हाथ नजर आता है। तब इंसान एक साफ नजर से जिसके साथ एक जर्रा शिर्क फिल असबाब की गर्द गुबार का नहीं होता खुदा ताला के एहसानों को देखता है और ये रोयत इस किस्म की साफ और यकीनी होती है कि वो ऐसे मोहसिन की इबादत करने वाले करने के वक्त उसको गायब नहीं समझता बल्कि यकीनन उसको हाजिर ख्याल करके उसकी इबादत करता है। और इस इबादत का नाम कुरान में एहसान है और सही बुखारी और मुस्लिम में खुद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान के यही माने फरमाए हैं। बस वो जो लोग पूछते हैं कि कोई तरकीब बताओ कि किस तरह हम अदल के मुकाम से उठकर एहसान में दाखिल हों, ये तरकीब है जो हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। जिक्र इलाही में एहसानात का तसव्वुर बांधा करें और नहायत बारीकी से अल्लाह ताला के एहसानात को सोचकर अपनी रगो पै में उनको जारी किया करें, अपने जज्बात में तब्दील कर दिया करें। फिर मुमकिन ही नहीं है
हकीकत की हालत में खड़े रहें, हो ही नहीं सकता। कोई बहुत बड़ा मोहसिन दुनिया का इंसान आपको मिले तो आपकी आंखों से तो खुशियां फूटने लगती हैं, दौड़कर आप उसको चिमटते हैं, प्यार करते हैं, रिवाज के मुताबिक कभी घुटनों को हाथ लगाते हैं, कभी पांव को हाथ लगाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के एहसानात का तसव्वुर बंधा हुआ हो और फिर गिरिया उजारी की वो कैफियत ना हो जो खाशेइन को अता हुआ करती है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम फरमाते हैं कि इबादत में एक तीसरा मुकाम इताए ज़िल्क़ुरबा का मुकाम है। फरमाते हैं इस दर्जा के बाद एक और दर्जा है जिसका नाम इताए ज़िल्क़ुरबा है, और तफसील उसकी ये है कि जब इंसान एक मुद्दत तक एहसानात इलाही को बिला शिरकत असबाब देखता रहता है और उसको हाजिर और बिला वास्ता मोहसिन समझ कर उसकी इबादत करता रहे, पहला लफ्ज भी था देखता रहता है नहीं बल्कि देखता रहे, एक मुद्दत तक एहसानात इलाही को बिला शिरकत असबाब देखता रहे और उसको हाजिर और बिला वास्ता मोहसिन समझ कर उसकी इबादत करता रहे, तो उस तसव्वुर और तखय्युल का आखिरी नतीजा ये होगा कि एक ज़ाती महब्बत उसको जनाब इलाही की नस्बत पैदा हो जाएगी। क्योंकि मुतवातर एहसानात का दायमी मुलाहजा बिज़रूरत शख्स ममनून के दिल में ये असर पैदा करता है कि वो रफ्ता रफ्ता उस शख्स की ज़ाती महब्बत से भर जाता है जिसके गैर महदूद एहसानात उस पर मुहित हो गए। बस इस सूरत में वो सिर्फ एहसानात के तसव्वुर से उसकी इबादत नहीं करता बल्कि उसकी ज़ाती महब्बत उसके दिल में बैठ जाती है, जैसा कि बच्चे को एक ज़ाती महब्बत अपनी माँ से होती है। बस इस मर्तबा पर वो इबादत के वक्त सिर्फ खुदा ताला को देखता ही नहीं बल्कि देखकर सच्चे उस शाख की तरह लज्जत भी उठाता है और तमाम अगराज नफसानी मादूम होकर ज़ाती महब्बत उसके अंदर पैदा हो जाती है, और ये वो मर्तबा है जिसको खुदा ताला ने लफ्ज़ क़ुरबा से ताबीर फरमाया है। और इसी की तरफ खुदा ताला ने इस आयत में इशारा किया है फ़ज़कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम आबाकुम औ अशद्द ज़िक्र। कितना हैरत अंगेज कलाम है, कोई बारीक से बारीक पहलू नहीं छोड़ता, किसी गैर को जरूरत नहीं है कि इसके मुंह में लुकमे डाले बातों के, हर बात को खुद खोलकर बयान फरमा रहा है। चुनाचे अशद फज़कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम आबाकुम औ अशद्द ज़िक्र में वही इताए ज़िल्क़ुरबा की तालीम खोलकर बयान फरमा दी। लेकिन उन्हीं को मालूम होता है जो आरिफ बिल्ला हों, जिनका अल्लाह से ताल्लुक हो। चुनाचे हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर यह राज खुला है कि इस आयत में कौन सा मज़मून बयान हुआ। चुनाचे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मज़ीद फरमाते हैं तीसरे मरतबा को मोहब्बत ज़ाती का मरतबा करार दिया, और ये वो मरतबा है जिसमें तमाम अगराज़ नफ़सानी जल जाते हैं और दिल ऐसा मोहब्बत से भर जाता है जैसा कि एक शीशा इत्र से भरा हुआ होता है। इसी मरतबे की तरफ इशारा इस आयत में है वमिन से मैं यश्री नफ्सौ मरदिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल्लिबाद। ये लोग किसी लालच किसी हिर्स की खातिर फिर खुदा की इबादत नहीं करते, ये जजा सजा से बेनियाज हो चुके होते हैं। पहले मोहसिनीन का जो जिक्र चला है उनका जिक्र तो इस आयत में मिलता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, एहसान के बदले एक एहसान किया जा रहा है। मगर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यहां इस आयत की अमलदारी होती है वमिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल्लिबाद। उनको कोई तमन्ना नहीं होती अपने रब से सवाए इसके कि उसकी मरजात को चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हर लहजा उसकी रजा की नजरें हम पर पड़ती रहें और यही उनकी जन्नत हुआ करती है। ये तो इबादत की रूह का मजमून था।
यानी रूह इबादत में अदल और एहसान और इताए ज़िल कुर्बा की तालीम है। इबादत के बदन से भी इस तालीम का ताल्लुक है। और इस्लामी निज़ाम इबादत इतना हैरत अंगेज तौर पर मुकम्मल है और इस तरह बारीकी के साथ उसके हर पहलू पर और हर शोबे पर अदल और एहसानात और इताए ज़िल कुर्बा की मोरें लगी हुई हैं कि अगर कोई साफ नफ्स के साथ सिर्फ इसी हिस्से का मुतालिया करे तो मुमकिन नहीं है कि वो खुदा ताला पर ईमान लाए। नामुमकिन था कि एक उम्मीद महज इंसान से ऐसी हैरत के साथ हैरत अंगेज तौर पर इल्म और इरफान के चश्मे फूट पड़े। और इस बारीकी के साथ इस तफसील के साथ एक मुतवाजन तालीम बयान हो रही है। ये महज अल्लाह का काम है। चुनाचे इबादात के जाहिर पर भी ये मजमून फैला पड़ा है और एक हैरत अंगेज अदल आपको नजर आएगा। इस्लामी इबादत में जिस पहलू से भी आप देखें एक हसीन तवाजुन आपको दिखाई देगा। बाज दफा जहर का हुक्म है, तिलावत जहर के साथ करो। बाज औकात खामोशी का हुक्म है और इसका अदल के साथ इस तरह भी ताल्लुक है कि बाज लोग खामोशी को ज्यादा पसंद करते हैं, बाज जहर को पसंद करते हैं। और दोनों किस्म के मिजाजों को मिजाजों के मुताबिक एक तालीम दे दी गई। लेकिन सिर्फ इससे ताल्लुक नहीं, औकात से भी इसका ताल्लुक है। बाज वक्त जहर का मुतालबा कर रहे होते हैं और बाज वक्त खामोशी का मुतालबा कर रहे होते हैं। चुनाचे सुबह सूरज जब निकल रहा हो, जब पौ फूट चुकी हो और सूरज निकलने से पहले कभी आप बाहर निकल के देखें, ऊंट चलाने वाले भी खुदी खान नगमे अलाप रहे होते हैं। मैं सैर के लिए जाया करता था, मैंने ये भी देखा कि जो कुम्हार ईंटें थाप कर भट्टे तक पहुंचाते हैं उन्होंने भी छोटा सा रेडियो चलाया हुआ होता था और वो सौ नगमे सुन रहे होते थे। तो वक्त है तरन्नुम का, परिंदे चहचहा रहे होते हैं, एक नगमगी का वक्त है। और उस वक्त की जो इबादत है उसमें बिलजहर तिलावत का हुक्म दिया गया। और दोपहर खामोशी का वक्त है जिसका असर के वक्त तक चलता है। परिंदे भी खामोश होकर छुप जाते हैं। शिकारी जानते हैं कि उस वक्त उनको ढूंढना पड़ता है, ना आवाज रहनुमाई करती है उनकी, ना वो देख सकते हैं क्योंकि छुप चुके होते हैं सारे। और ये दो नमाजें हैं जिनमें हुक्म है। फिर यूं यूं सूरज डूबने लगता है, रात की आमद आमद होती है, फिर तरन्नुम जाग उठता है, फिर परिंदे चहचहाने लगते हैं, फिर मजलिसें लगती हैं रक्सों से माँ की। और उन औकात में जो नमाजें हैं उनमें जहर का हुक्म दे दिया गया। कैसा हसीन तवाजुन है। इंसान इंसान के मिजाज के साथ भी, वक्त और मौसम के लिहाज से भी। और ये मजमून दिल इरादा एक तरतीब रखता है, इसमें कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं। चुनाचे तहज्जुद के वक्त एक तीसरा हुक्म दिया गया है जो इन दोनों से मुख्तलिफ है। और वो हुक्म ये है, वला तजहर बे सलाते का वला तुखाफिक बेहा वक्त वे बेन अजाले का सबीला। कि वो वक्त ऐसा है कि उसमें ना तुम बहुत ऊंचा पड़ा करो, ना बिल्कुल दिल में पड़ा करो, बल्कि इन दोनों के दरमियान रख कर खुदा ताला को याद किया करो। चुनाचे इसकी तशरीह में एक रवायत बड़ी दिलचस्प मिलती है। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि वो बिल्कुल दिल में ही तहज्जुद पढ़ा करते थे, यानी पास खड़े होने वाला भी उनकी आवाज नहीं सुन सकता था। और हजरत उमर की आदत ये थी कि वो ऊंची आवाज से पढ़ते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया उनको, हजरत अबू बकर से पूछा कि तुम क्यों दिल में पढ़ते हो। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह जिसको बात पहुंचानी है उसको पहुंच जाती है, उतना ही काफी है। फरमाया नहीं, आहिस्ता पढ़ा करो, ऊंची आवाज से बेशक ना पढ़ो लेकिन दिल में नहीं ऊंची पढ़ा करो कुछ। हजरत उमर को बुलाया, अब ये मिजाज अलग अलग है ना, उनका जवाब सुनिए। आपने पूछा उमर तुम ऊंची क्यों पढ़ते हो। उन्होंने कहा शैतान को डांट डांट कर हटाता हूं वहां से। Allah Akbar. 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 All
चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं इस तरह डांटने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जरा आस्ता पड़ा करो। और फिर उसकी हिकमत भी बयान फरमाई कि दूसरों को तंग नहीं करना, दूसरे नाराज होते हैं। चुनाचे एक रिवायत में ये भी मिलती है वजह इस आयत की शान नजूल की कि जब सहाबा ऊंची आवाज में बाज पढ़ा करते थे तो बाज कुफार जो करीब होते थे वो जाग जाते थे, उनको तकलीफ होती थी और वो फिर बुरा भला भी कहते थे सामने से। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने ये तालीम दी कि वो वक्त ऐसा है जब दूसरों का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन दिल में इसलिए नहीं पढ़ना कि वो गुनूदगी का भी वक्त होता है। जो बिल्कुल दिल में पढ़ते हैं तहज्जुद, उनको अक्सर नींद मगलूब कर लेती है, और बहुत ऊंची पढ़ेंगे तो चूंकि ये नफली काम है, जिसने नहीं पढ़ना उसको क्यों जबरदस्ती जगाया जाए। इसलिए कैसी अजीम शान मुतवाजन तालीम है, अदल और एहसान दोनों समोए गए हैं इस तालीम के अंदर। ये जो तालीम है, जैसा कि मैंने बयान किया, इसमें एक पहलू है लोगों की तकलीफ का मुजिब ना बनना, और एहसान का इसमें ये खास पहलू है कि गैरों को कुरान करीम भी जबरदस्ती नहीं सुनाना। अगर वो नहीं सुनना चाहते तो उनका अपना काम है, कोई जबर नहीं करना उन पर। ये तालीम अगर मुसलमानों में रासिख हो जाती तो आज जो लाउड स्पीकरों का हाल आप देख रहे हैं ये वो ना होता था। यानी वक्त बे वक्त ये ख्याल किए बगैर कि कुछ बच्चे हैं, कुछ बीमार हैं, उनको जगाने की इजाजत नहीं है इस वक्त, उनको तंग करने की इजाजत नहीं देते खुदा के रसूल। लोग ना सिर्फ तिलावत करते हैं बल्कि हमें तो यहां ये तजुर्बा है कि गाने शुरू कर देते हैं तहज्जुद के वक्त, और बाज़ दफा गानों के रिकॉर्ड लगा दिए जाते हैं और सोने वाले सो भी जाते हैं। यानी लाउड स्पीकर पे रिकॉर्ड चला दिया है किसी नज़म का और आप आराम से सो गए, और जो तहज्जुद पढ़ने वाले हैं उनके तहज्जुद पर बुरा असर पड़ रहा होता है, उनकी तवज्जो उस तरफ बट रही होती है। एक मस्जिद में एक कारी तिलावत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, और उधर से गानों की आवाजें आ रही हैं। तो ये सारा गैर इस्लामी मुआशरा है जिसके ना कुरान इजाजत देता है ना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत देते हैं। और आज जो गैर दुनिया हमारी इन बातों पर हंसती और मजाक उड़ाती है, और माशरे में यह हक कायम है कि हमसाया किसी दूसरे हमसाये को तंग ना करे, ये तालीम तो उन्होंने आज सीखी है 1300 साल धक्के खाने के बाद। दुनिया में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी 1300 साल का 1400 साल कहना चाहिए था, आज से 1400 साल पहले ये तालीम दे दी थी कि हमसाये का हक अदा करना पड़ेगा, नेकी के बहाने भी से भी तुम्हें उसको तंग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नमाजों में और तरह भी अदल के नमूने पाए जाते हैं। मसलन मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ तर्ज में इबादत के रिवाज हैं। बाज़ कौमों में बैठ कर खास तरह आलती पालती मार कर इबादत का रिवाज है, बाज़ों में झुक कर इबादत का रिवाज है, बाज़ खड़े होकर इबादत करना पसंद करते हैं। मुख्तलिफ दुनिया की कौमें हैं, मुख्तलिफ रिवाज हैं, मुख्तलिफ उन्होंने रवायात पाई हैं अपने मज़ाहिब से। इस्लाम चूंकि एक आलमी मज़हब था और तमाम बनी नौ इंसान को मुखातिब करना था, इसलिए इस्लामी नमाज में तमाम दुनिया के इंसानों के तरीके इकट्ठे कर दिए गए, और कोई एक भी इबादत नहीं है इस्लाम के मुकाबले पर जो ये दावा कर सके कि इसमें तमाम दुनिया के इंसानों की तर्ज इबादत को एक जगह जमा कर दिया गया है। फीहा कुतुब कय्यमा की एक ये भी तारीफ है कि तमाम कुतुब कय्यमा ने जो जो तालीमात दी थी उनका खुलासा और निचोड़ कुरान के लिए इकट्ठा करता चला जाता है। चुनाचे खड़े होने वालों के लिए एक हिस्सा खड़े होने के लगता मिल जाता है, बैठने वालों को बैठने का हिस्सा मिल जाता है, जो रुकू के आदि हैं वो रुकू भी कर लेते हैं, जो सजदों के आदि हैं वो सजदे भी कर लेते हैं। कैसा आदलाना निज़ाम है जो दुनिया के हर मजहब के मानने वालों के हालात और रवायात को मलहूज रखता है।
फिर एक और भी निजाम है इसमें अदल और एहसान का कि कुरान इस्लामी नमाज में मुख्तलिफ हालात के मुताबिक रियायतें मिलती चली जाती हैं और ये रियायतों का निजाम जो एहसान का निजाम है ये आपको दुनिया के किसी मजहब में नहीं मिलेगा। आपके हुक्म तो मिलते हैं लेकिन ये अहकाम नहीं मिलते कि अगर तुम फलां इबादत ना कर सको तो क्या करो, फलां वक्त ना कर सको तो क्या करो, ये हालात हो जाए तो क्या करो। एक इस्लाम है सिर्फ, मुनफरिद है इस बात में कि नहायत तफसील के साथ अहकाम इस बात में जारी करता है, अदल की तालीम भी देता है, एहसान की भी तालीम देता है और फिर इताए जिल कुर्बा की तालीम भी दे देता है। चुनाचे एक मुसलमान के लिए अदल तो ये है कि वो 5 वक्त मस्जिद में जाकर खुदा की इबादत करे और क़याम नमाज में शामिल हो, लेकिन अगर वो बीमार है, कमज़ोर है, किसी वजह से नहीं जा सकता तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम घर बैठे रहो, वहाँ नमाज पढ़ लो। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो फरमाता है बैठ कर नमाज पढ़ लो, अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो फरमाता है लेट कर नमाज पढ़ लो, और फिर अगर बेहोश हो जाते हो और पढ़ ही नहीं सकते तो अल्लाह ताला इबादत को तुमसे उठा लेता है और उसका सवाब नहीं उठाता, सवाब फिर भी देता चला जाता है। नमाज बजमात पढ़ने की ख्वाहिश है, मौका मुयसर नहीं है, उस वक्त खुदा ताला इताए जिल कुर्बा का सुलूक फरमा देता है और महज तमन्ना की खातिर सवाब बाजमात नमाज का अता करना शुरू कर देता है। चुनाचे एक अरबी के मुतल्लिक रवायत आती है, वो थे बकरियां चराने वाले गडरिये, कि जब उन्होंने देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज बाजमात पर इतना जोर देते हैं तो अर्ज की कि या रसूलुल्लाह मैं तो जंगल में होता हूं, मैं कैसे नमाज बाजमात पढ़ूं? आपने फरमाया तुम जंगल में अजान दिया करो और तुम्हारी अजान को सुनकर कोई राहगीर आ जाएगा और तुम्हारे साथ शामिल हो जाएगा, बाजमात नमाज हो जाएगी। फिर आपने फरमाया कि अगर कोई राहगीर नहीं आएगा और तुम्हारी ख्वाहिश यह है कि तुम बाजमात नमाज पढ़ो तो तुम अजान देना और बाजमात नमाज के लिए खड़े हो जाया करना, आसमान से खुदा फरिश्ते उतारेगा जो तुम्हारे साथ उस बाजमात नमाज पढ़ा करेंगे। फिर नमाजों में एक अदल का मजमून इस तरह भी मिलता है कि छोटे और बड़े सबको एक ही सफ में खड़ा कर दिया है और किसी के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं, जो पहले आएगा वो पहले आएगा, वो पहली जगह में आके बैठेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में आएगा और बाद की जगह पे बैठेगा, और सबको कंधा मिलाकर खड़े होने का हुक्म दिया है ताकि किसी मुतकब्बर के दिमाग में ये ख्याल ना आ जाए कि गंदे कपड़ों वाला या फटे हुए कपड़ों वाला या बदबू वाला इंसान मुझसे हटकर खड़ा हो। अगर वो कहे तो दूसरा कहेगा नहीं, मैं खुदा के रसूल का हुक्म मानूंगा, मैंने लाजमन तुम्हारे साथ जोड़ के खड़ा होना, इसलिए कह ही नहीं कोई सकता। और इस अदल के अंदर भी एक एहसान और इताए जिल कुर्बा का मज़मून भी बयान फरमा दिया और फरमाया कि बज़ाहिर एक सफ में खड़े हुए लोग नमाजें पढ़ रहे हैं लेकिन सबकी नमाजें एक जैसी नहीं है, उनका दिलों से ताल्लुक है। चुनाचे एक मौके पर फरमाया कि अबू बकर की नमाज को अपनी जैसी नमाज ना समझ लेना, बज़ाहिर ये तुम्हारी तरह नमाजें पढ़ता है, तुम्हारी 70 नमाजों के बराबर इसकी एक एक नमाज है। तो अदल और एहसान और इताए जिल कुर्बा का मजमून नहायत तफसील के साथ इबादात में दाखिल होता और जलवे दिखाता चला जाता है। फिर वुजू नहीं कर सकते तो तयम्मुम कर लें, मुसाफिर हैं तो सहूलत दे दी कि आधी नमाज पढ़ लो, किबला का हुक्म है किबला रुख होने का लेकिन अगर नहीं नजर आता तो फरमाया जिस तरफ सवारी का रुख हो उस तरफ मुंह कर लिया करो। कोई एक भी हालत ऐसी नहीं जो इंसान पर तारी हो सकती हो और उसके मुतालिक खुदा ताला ने तफसील से तालीम न दी हो। फिर एक और अजीम शान तालीम यह है कि इन्नल मसाजिद लिल्लाह है, मसाजिद सिर्फ खुदा के लिए है,
और किसी कौम को यह हक नहीं है कि वो अपनी मस्जिदों में आने से किसी दूसरे को रोके। और इसमें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा इतना अज़ीम शान है कि अगर उस उसवे को मुसलमान मलहूज रखते तो कभी मुसलमानों में वो फितना और फसाद पैदा ना होता मस्जिद के नाम पर जो आज हम देख रहे हैं। डेढ़ डेढ़ ईंट की मस्जिदें बनी हुई हैं, एक फिरका दूसरे को रोक रहा है कि तुम हमारी मस्जिद में नहीं आ सकते, हमारी मस्जिद बलीद हो जाएगी, हम तुम्हारी मस्जिद में नहीं जा सकते, हम बलीद हो जाएंगे। पता नहीं ये दीन कहां से लिया, किससे सीखा, किसका उसवा है। मुझे तो अपने आका और मौला मोहम्मद मुस्तफा का उसवा इससे बिल्कुल जुदा नजर आता है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से बढ़कर भी कोई मस्जिद पाक हो सकती थी, लेकिन नजरान के ईसाई वफद को आपने खुद अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी, दावत दी। एक रिवायत में आता है कि वो गुफ्तगू मजहबी गुफ्तगू के लिए आए हुए थे, जब उठकर जाने लगे तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कहाँ चले हो, तो उन्होंने अर्ज किया कि हम नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। आपने फरमाया ये भी तो खुदा का घर है, यही नमाज पढ़ लो। एक और रवायत में है कि बाद सहाबा जो जानते नहीं थे कि हुजूर अकरम ने खुद दावत दी हुई है, उन्होंने जब देखा कि ईसाई मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहे हैं तो वो नाराज होकर उनकी तरफ लपके, तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से रोक लिया और फरमाया हरगिज नहीं, ये खुदा का घर है, इनको इबादत करने दो। कहां ये तालीम और कहां ये आज का जमाना जहां मस्जिदों की हालत यह है कि वो बाज़ दफा लोगों से गंदी हो जाती है और बाज़ दफा लोग मस्जिदों से गंदे हो जाते हैं। ये तो मस्जिद नबी वाली मस्जिदें नहीं है, ये तो मोहम्मद मुस्तफा के उस पर बनाई जाने वाली नहीं है। ये मस्जिदें तो फिर वैसी ही हो गई जैसा एक गिरजे के मुतालिक बयान किया जाता है कि अमेरिका में एक सफेद फार्म लोगों का गिरजा था। अमेरिका में एक जमाने में बहुत ही कालों से नफरत की जाती थी और मजहब में भी ये तकसीमें थी कि बास कालों के गिरजे और बास सफेदों के गिरजे। ये अलबत्ता शुक्र है, शुक्र करना चाहिए ईसाइत को कि फिरकों के गिरजे वहां नहीं बने, सिर्फ दो ही तकसीमें थी कालों और गोरों की। तो बयान किया जाता है कि एक काला बेचारा एक गिरजे में दाखिल होने लगा तो बड़ी सख्ती से धक्का दे के उसको निकाल दिया गया कि ये तो सफेदों का गिरजा है, तुम यहां किस तरह दाखिल होते हो। और उस बेचारे के दिल को इतना सदमा पहुंचा कि वहीं सीढ़ियों पर पड़ा रहा और सारी रात रोता रहा। उसी कर्ब की हालत में कहते हैं उसकी आंख लग गई तो ख्वाब में उसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नजर आए। उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, क्या तकलीफ है, इतना क्यों रो रहे हो। उसने कहा रो आपकी खातिर इस गिरजे में जाने लगा था और मुझे धक्के दे के निकाल दिया गया। हजरत ईसा ने कहा इतनी सी बात पर रोते हो, मुझे तो आज तक दाखिल नहीं होने दिया इस गिरजे में किसी ने, तुम थोड़ी सी बात पे इतना रो पड़े हो, मैं तो इस तरह सारी उम्र रोता रहूं तब भी हक अदा नहीं होगा, कभी भी नहीं गया मैं अंदर। तो वो मस्जिदें जो खुदा की नहीं रहती, वो गिरजे जो खुदा की नहीं रहा करते, वहां से अगर बंदों को रोका जाता है तो यकीन जाने के खुदा भी उनमें दाखिल नहीं हुआ करता। फिर इबादात में एक हज का मुकाम है खास, इसके मुतल्लिक भी अल्लाह ताला ने एक अजीम शान अदल और एहसान की तालीम दी। फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, के लोगों पर खुदा की तरफ से यह हक है, खुदा का हक है लोगों पर कि वो हज किया करें, लेकिन मन इस्तता इलैहि सबीला, जिनको तौफीक होगी रस्ते की वही जाएं सिर्फ, बाकियों पर फर्ज नहीं है। फिर दूसरी जगह इस मजमून को यूं बयान फरमाया कि अगर रस्ते का खतरा हो, अमन नसीब ना हो तो तुम्हें हज पर नहीं जाना। अजीब बात है कि कदगन लगाने वाले और रोकें डालने वाले इबादत में हर जगह दखल देना शुरू कर देते हैं।
इबादतों में भी दखल देते हैं, जब मस्जिदों में जरूरत होती है तो फिर खाना काबा पर भी वो जरूरत जाकर खत्म होती है। चुनाचे सबसे पहले मारूफ तारीख में जिस शख्स को खाना काबा में दाखिल होने से रोका गया वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अजीब हैरत अंगेज वाकया है, अकल गुंग हो जाती है इस बात को देखकर कि जिसकी खातिर तामीर हुआ है खाना काबा, जिसके दाखिल होने पर, जिसकी इबादत के बाद खुदा को लुत्फ आया कि हाँ आज इस इमारत का हक अदा हुआ है, मेरे बंदे मोहम्मद ने यहां आकर मेरी इबादत की, अजल से जिसका इंतजार था, जिसकी खातिर खुदा ने गुज़श्ता अंबिया को हिदायत दी थी कि अगर ये खंडर बन जाए फिर इसकी इमारत को खड़ा करना, जब तक मोहम्मद मुस्तफा ना आ जाए और उनके सुपुर्द ये अमानत ना हो जाए उस वक्त तक इमारत का हक अदा नहीं होगा। आप अपने साथियों को लेकर एक रोया के मुताबिक इस नीयत से जाते हैं कि पहले उमरा करें और फिर बाद में हज करें, और रस्ते में लोग तलवारें लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते नहीं जाने देना, वो अपनी तरफ से फर्ज से रोक रहे हैं और उसको रोक रहे हैं जिसका सबसे ज्यादा हक था। अब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान उस्वा देखें कि ये नहीं कहा कि खा तलवारें चलती हों खा खून बहते हों मैंने जरूर दाखिल होना है। आप जानते थे इबादत की हिकमत और इबादत के फलसफे को, वो सिर्फ ये है कि रजाए बारी ताला के सामने सरे तस्लीम खम कर दें। सहाबा जोश दिखा रहे थे मगर आपने फरमाया नहीं, वो शर्त पूरी नहीं होती हज की, खून बहाकर मैं इस खाना काबा में दाखिल नहीं हूंगा, तुम तैयार हो बेशक मुझे मंजूर है ये बात, तुम्हारे दिल चाहते हैं कि इस्लाम में फिदा हो जाओ, मुझे तस्लीम है, लेकिन खुदा का हुक्म लाजिमन गालिब रहेगा और मैं जबरदस्ती खाना काबा में दाखिल नहीं हूं। अब अल्लाह ताला के हुस्न एहसान का सलूक देखिए कि किस तरह इस मजमून को जो फर्ज था इताए ज़ुल्क़ुरबा में दाखिल फरमा देता है। हज करने वालों पर एहसान तो यह करता है कि इस नेकी को भी कबूल करता है और उनके पिछले गुनाह माफ कर देता है, जो भी उस वक्त तक गुनाह हो चुके हैं या गफलतें हो चुकी हैं वो माफ कर देता है। ये हज में अदल और एहसान का मामला है, यानी सिर्फ उस वक्त के नेकी को कबूल नहीं करता बल्कि गुज़श्ता सारे गुनाह धुल जाते हैं। लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुदा ने जो सलूक फरमाया इस मौके पर वो इताए ज़िल्क़ुरबा का सलूक था। फरमाया लियग़फिर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा ताख़्खरा व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदीका सिरातम मुस्तक़ीम। क्या मोहम्मद, बाद लोग हज करते हैं वो समझते हैं कि वो हज कबूल हो गए हैं, हज को कबूल करना और ना कबूल करना तो मेरा काम है, हाँ एक हज मैंने यकीनन कबूल किया है और वो तेरा वो हज है जो तू नहीं कर सका था और इस शान से कबूल किया है कि पिछले गुनाह भी माफ कर दिए और आइंदा के गुनाह भी माफ कर दिए। इबादत में गुल्फ से भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और इस लिहाज से भी इबादत में अदल की तालीम दी। चुनांचे कुरान करीम ने भी इस मजमून को इस तरह बयान फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि इबादत की तालीम तो दी जाती है लेकिन अल्लाह सख्तियां नहीं तुम पर चाहता। अल्लाह को कोई लुत्फ नहीं आता इस बात में कि बंदों को दुख पहुंचे, अल्लाह तो आसानी पैदा करना चाहता है। और इस मजमून को अगर आप तफसील से देखें तो बहुत ही हैरत अंगेज मजमून है। असल इबादत वो है जो आसानी के साथ हो रही हो, यानी शुरू में आपको जो मुशक्कत लगती है कुछ देर के बाद जब वो आसानी बन जाती है फिर वो इबादत बनती है, फिर आप अगला कदम उठाते हैं फिर अगला कदम उठाते हैं यहां तक कि इताए ज़िल्क़ुरबा में दाखिल हो जाते हैं। फिर रबानियत के मुतल्लिक कुरान करीम में फरमाया व रहबानियतन इब्तदौहा मा कतबनाहा अलैहिम
ये जो रहबानियत ईजाद कर ली गई है, हमने तो ये उन पर फर्ज नहीं की थी। हाँ, अल्लाह की रजा के हुसूल की खातिर बाल लोग इस तरह किया करते थे और हमने इसकी इजाजत दे दी, लेकिन उन्होंने इससे फायदा नहीं उठाया और वो इंतहा पसंद हो गए और खुदा की खातिर रहबानियत के माने बदल दिए और फिर जती सती रहना और इस किस्म की बातें बीच में दाखिल कर ली। आहदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म की इबादत से को सख्ती से मना फरमाया करते थे। आपने फरमाया, अपनी जानों पर सख्ती ना किया करो, तुमसे पहले कौमें अपनी जानों पर सख्ती करने के नतीजे में तबाह हो गई और उनकी बकिया नस्लें आज भी गिरजों और दीरों में तुम्हें मिलेंगी। फिर फरमाया, तुम अल्लाह ताला को थका नहीं सकते। ये वहम दिल से निकाल दो कि इतनी इबादत कर लोगे कि गोया खुदा पर गालिब आ जाओगे। तुम टूट जाओगे लेकिन खुदा पर गालिब नहीं आ सकते, इसलिए हौसले से, तसल्ली से जितनी तौफीक हो उतनी ही इबादत किया करो। फिर अकरबीन का किस्सा सुनिए। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले का वाकया है कि खानदानी जायदाद के मुतल्लिक एक मुकदमा था, उस मकान के चबूतरे के मुतल्लिक जिसमें आजकल सदर अंजमन के दफातर हैं। अब तो पता नहीं वहां है कि नहीं, क्यों नहीं साहब, आपने अब भी वही है सदर अंजमन के दफातर जहां नाजिर आला का दफ्तर होता था। तो उस मकान की बात है जो पुराने लोग जिन्होंने देखा हुआ है, सदर अंजमन के दफातर वहां हुआ करते थे। उस चबूतरे की जमीन दरअसल हमारे खानदान की थी, यह हजरत मुस्लिम मौऊद लिख रहे हैं वाकया, मगर उस पर देरीना कब्जा उसी घर के मालिकों का था। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बड़े भाई साहब ने उसको हासिल करने के लिए मुकदमा चलाया और जैसा कि दुनियादारों का कायदा है, जब जमीन वगैरह के मुतल्लिक मुकदमा हो तो अपना हक समझते हुए वो सच झूठ मिला दिया करते हैं। इस पर घर के मालिकों ने यह अमर पेश कर दिया कि हमें किसी दलील की जरूरत नहीं, इनके छोटे भाई को बुलवा लें एक दफा, फिर वो जो कहेंगे हम मान जाएंगे। चुनांचे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अदालत ने तलब कर लिया। जब आपसे पूछा गया कि क्या आप इन लोगों को इस रस्ते से आते जाते और इस पर बैठते देख रहे हैं कुछ अरसे से, तो आपने फरमाया कि हाँ, ये तो मैं देखता हूं। इस पर अदालत ने उनके हक में फैसला दे दिया। तो कुरान करीम ने जो तीन बातें बयान फरमाई, ये ऐसी तालीम नहीं है जो फर्जी है। जो खुदा वाले हैं, जिनको इस्लाम से सच्ची मोहब्बत है, कदरों को जिंदा करने के लिए पैदा किए गए, उन्होंने अमलन सच कर दिखाया है। अहमदी भी इसी मसीह मौत के गुलाम है और इसी के ऊपर ईमान लाए हैं। तजदीद बैत की है इसके हाथ पर और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वादे किए थे उनको दोहराया है आपके इस कामिल गुलाम के हाथों के ऊपर। क्या आप हट जाएंगे इस तालीम से? क्या आप नजर से ओझल कर देंगे इस तालीम को? वो तालीम जो 1300 साल के बाद फिर जिंदा की गई थी, अगर आपने मिटने दिया तो खुदा आपको कभी माफ नहीं करेगा। अपने हकूक मिटते हैं तो मिटने दीजिए, अपनी जायदादें छीनती हैं तो छीनने दीजिए। आज इस्लाम की जिंदगी आपसे यह मुतालबा करती है कि इस्लाम के नाम पर हर मौत कबूल कर लें, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा के दीन को ना मरने दें, ना मरने दें, ना मरने दें। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपके साथ हो, और हमेशा इस्लाम के लिए हर कुर्बानी पेश करने की तौफीक अता फरमाए।